नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के चुनावी माहौल में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी कई चुनावी सभाओं में कह चुके हैं कि सत्ता में उनकी सरकार आने पर वे आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटा देंगे। अब इसी बारे में बात करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ANI से कहा कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सिर्फ तमिलनाडु के आरक्षण का कानून शामिल है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और वह गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन जब सभी राज्यों में 50% की सीमा को पार किया जाता है तो उसे गैर संवैधानिक कहा जाता है, संविधान के खिलाफ कहा जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने कहा है कि हम 50% की सीमा को बढ़ाएंगे। हमारा PM मोदी से सवाल है कि क्या आप 50% की सीमा को बढ़ाएंगे या नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ED, CBI, IT के दुरुपयोग को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए आगे कहा कि जिस तरह से ED, CBI, IT का दुरुपयोग मोदी सरकार द्वारा हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद भाषण में कहा कि टेम्पू में काले धन की बोरी लेकर अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुँचते हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जयराम रमेश ने कहा कि प्रतिशोध के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से शहजादे ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अडानी अंबानी से कितना पैसा लिया है, कितने टेम्पू भरकर नोट कांग्रेस के दफ्तर पहुँचे हैं। भाजपा के 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 400 सीटें हासिल करने को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले भी झूठ बोला और फिर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ABP न्यूज़ को दिए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार BJP NDA 400 सीटें जीतने वाली हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शुक्र है उन्होंने 600 पार नहीं बोला। हमारे संविधान में 543 सदस्यों की लोकसभा बनाई गई है। PM मोदी 543 में से 400 पार की बात कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वह आंकड़े कहां से ला रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर जगह उनकी सीटें घट रही हैं। कहीं एक या दो जगह उनकी बढ़त हो सकती है, लेकिन बाकी की जगह उनकी बढ़त कहां है, कहां से लाएंगे 400 सीटें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुरुलिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर ये लोग रणनीति बनाते हैं, लेकिन 4 जून का दृश्य देखने लायक होगा। PM मोदी ने कहा कि ENDA गठबंधन वालों के तरकश में जितने तीर थे वे चला चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, हर साजिश नाकाम साबित हुई है। मोदी ने इन चुनावों में ENDA गठबंधन वालों का कच्चा चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया है। पुरुलिया ने मोदी को भाजपा को असीम स्नेह दिया। मोदी आज यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आया, बल्कि मैं आज यहाँ आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मुझे विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। PM मोदी ने आगे आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को एक बार फिर घेरते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज ENDA गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटक में इन लोगों ने OBC कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया और TMC इस साजिश में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। BJP ऑफिस तक मार्च निकालने का ऐलान करने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही रोकने का दावा किया है। सेंट्रल दिल्ली के DCP हर्षवर्धन मंडावा ने ANI से कहा कि मैंने सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर रखा था, हमने उन्हें आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही रोक लिया, हमने उन्हें बताया कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को BJP मुख्यालय के लिए निकलने से पहले PM मोदी पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि PM हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं, ये हमारे सभी बड़े नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं ताकि पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन हमारे ऊपर बजरंगबली का हाथ है, हम हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इससे बाहर भी निकल जाएंगे। केजरीवाल ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे कहा कि आगे बहुत बड़ी चुनौतियाँ आने वाली हैं, इनसे लड़ने के लिए तैयार रहना है और एक बात याद रखना कि अतीत में जितनी चुनौतियाँ और मुसीबत
मुसीबतें हमारे सामने आईं और हम आराम से निकल गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये सब एक ही वजह से है कि ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर है, अगर ये हाथ नहीं होता तो आज तक हम खत्म हो चुके होते। ऊपर वाला आपके साथ है, बस आप डगबगाना मत। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल के इशारे पर ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। भाजपा नेता ने कहा कि देखिए, हमारे को यह फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके साथ हुआ है, एक महिला के साथ ही घटना हुई है और इस देश में बीजेपी का यह संस्कार है कि हम किसी भी बहन बेटी के साथ किसी भी स्तर पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। मनोज तिवारी ने कहा कि आश्चर्य इस बात का है कि जिसने पिटाई की है उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। इसका दूसरा पक्ष हमें लगता है कि ये पिटाई अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही हुई है। ये विभव कुमार को बचाने की जद्दोजहद हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया है। नहीं तो आपके हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसी घटना कर दे तो हम उससे तुरंत छुटकारा पा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी सहयोगी और पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आज रविवार 12 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जिसे चाहे वहां से जेल भिजवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप देख सकते हैं कि वे किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, वो हम सबको जेल में डालना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप यह जेल का खेल खेल रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं, विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं। आप जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल का जो ACB में मामला चल रहा है उसका इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। ये भाजपा की मानक संचालन प्रक्रिया है कि वे विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। आतिशी ने आगे कहा कि इसी मामले में विभव कुमार ने जो शिकायत दी है उस पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। दिल्ली पुलिस भी भाजपा के आका के इशारे पर काम कर रही है। आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता RP सिंह ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी की नियमित संचालन प्रक्रिया है। उनका कोई नेता जब भी पार्टी छोड़कर जाता है या आरोप लगाता है तो कहा जाता है कि उस पर दबाव था। उन्होंने कहा कि जब आतिशी आम आदमी पार्टी में आई नहीं थी, उसके 10 साल पहले से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के NGO में काम करती थी। वे अरविंद केजरीवाल की खास सहयोगी थी। मूल बात यह है कि इनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से इन्होंने स्वाति मालीवाल का नाम काट कर उसमें सुनीता केजरीवाल का नाम जोड़ा। इसकी जानकारी लेने वे उनके घर गईं। यह उन्हें हजम नहीं हुआ कि कोई कैसे पूछने आ सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे कि मुख्यमंत्री आवास में कैसे पिटाई हुई। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मार्च कर प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल के इस मार्च को लेकर स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, लेकिन आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने CCTV फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता और आज वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने RSS को लेकर बड़ा बयान दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफ़ी कुछ बदल चुका है। इसी कड़ी में RSS की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें RSS की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। बीजेपी अध्यक्ष से जब ये पूछा गया कि क्या भाजपा को अब RSS के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, इस पर नड्डा ने कहा कि देखिए, पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। RSS एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। यह ज़रूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपना। JP नड्डा ने कहा कि हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के लिए नए अवसरों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए या नहीं। लेकिन कांग्रेस जेएमएम वालों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें विकास का काखागा भी मालूम नहीं है। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो बस झूठ ही बोलो। इनके मुद्दे हैं गरीब की संपत्ति का एक्सरे करना, उसे छीनना और मोदी को गाली देना। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या इससे ज्यादा ये सोच ही नहीं सकते। आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा से मुझे बहुत आपत्ति है। कल वे कह रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन देश को दिवालिया कर देंगे, आप अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करें तो दिवालियापन की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन 500 रुपए में सिलेंडर देने से गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने पर दिवालियापन है। मनोज झा ने पूछा कि ये दिवालियापन कहाँ है। इसे कहते हैं विचारों का दिवालापन जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।